नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गीकी सोमो यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ गूगल डूडल के बारे में। और गूगल डूडल के साथ साथ हम बात करेंगे कि गूगल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल डूडल क्या है। अब आप जब भी गूगल खोलते हो, जब आप यूआरएल में लिखते हो www.google.com, तो वहां पे आपने देखा होगा कि गूगल का पेज खुल जाता है, उसके ऊपर कुछ इमेजेस चलता रहता है। जैसे कि अभी न्यू ईयर का इमेज चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं गूगल डूडल। ये आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गूगल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो गूगल के बारे में जो फैक्ट्स है, वहां पे सबसे पहले गूगल डूडल रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। जैसे कि सबसे पहला है वो है कि यहाँ पे गूगल डूडल जो है वो 2000 डूडल यूज कर चुका है। वहां पे 2000 अलग अलग इमेजेस को ऑलरेडी यूज कर चुका है गूगल इतने सालों में, जितने साल से गूगल चल रहा है 1998 से, अब 2000 इमेजेस वो यूज कर चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट की। जो दूसरा पॉइंट है वो गूगल डूडल सबसे पहले यूज होना स्टार्ट हुआ 1999 में। तो वहां पे जो डूडल दिखता था वो कुछ इस तरह का दिखता था, आप इमेज पे देख सकते हो, तो इसी तरह का वहां पे स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं हमारा तीसरा फैक्ट की। तीसरा फैक्ट जो है वो है कि गूगल का जो नाम है, मतलब गूगल जो नाम है उसका नाम कहाँ से आया है, ये शायद आपको नहीं पता होगा। इसका नाम आया है गूगल टाइप के कुछ एक टर्म से। तो इसका मतलब है कि वन के बाद इतने सारे जीरो जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यही है गूगल का जो मदर टर्म मैं कहूँ, या फिर कुछ भी कहो आप, मदर टर्म जो मैं कहना चाहता हूँ, तो आप कुछ भी कह सकते हो इसको, कि गूगल का जो वर्ड है, गूगल जो वर्ड है वो आया है गूगल नाम के एक वर्ड से। ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं अगला फैक्ट की। जो अगला फैक्ट है वो है कि अगर आप कोई एक नंबर लिख देते हो, उसके बाद अगर इक्वल्स टू देके इंग्लिश लिख देते हो, तो गूगल आपके लिए वो नंबर को प्रोनाउंस कर देगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं 9614 लिखता हूँ, तो गूगल उसको मुझे प्रोनाउंस करके 9614 बोल देगा। तो ऐसा गूगल कर सकता है। अब बात करते हैं उसका गूगल का नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट जो है वो है कि गूगल जो वर्ड है, गूगल कह के जो वर्ड है, वो वर्ड 2006 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है एज ए भार। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि गूगल, आप गूगल कर लो, इस तरह का कुछ लोग बोलते हैं। तो ये जो गूगल वर्ड है ये एज ए भार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2006 में ऐड हो चुका है। मतलब गूगल टर्म इतना पॉपुलर हो गया था कि वो 2006 में ऐड हो चुका है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के ऊपर। अब बात करते हैं अगला फैक्ट की। अगला फैक्ट जो है कि गूगल का जो सबसे पहला फोन था, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वो आया था 2010 में, और उसका नाम था नेक्सस वन। ये सब आपको पता होगा। तो नेक्सस वन ये जो मॉडल था गूगल का, ये सबसे पहले गूगल की तरफ से स्मार्टफोन था, और ये फोन रिलीज हुआ था January 5 के अंदर। अब बात करते हैं गूगल का नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। तो गूगल जो कंपनी है वो एक साल में कितना कमाता है आपको पता है? $50 बिलियन। एक साल में ये कंपनी $50 बिलियन कमाता है। वो भी कहाँ से कमाता है? ज़्यादा से ज़्यादा जो गूगल कमाता है वो कमाता है एड से, एडवर्टाइजमेंट से। तो गूगल का ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आता है एडवर्टाइजमेंट से। तो ये भी आपको पता चल गया। मतलब ऑलमोस्ट 90% के आसपास जो इनकम होता है गूगल का वो एड से ही होता है। अब बात करते हैं गूगल के बारे में कुछ और बातें जो भी शायद आपको नहीं पता होगा। तो गूगल का जो ट्रांसलेटर है, गूगल का जो ट्रांसलेटर है वहाँ पे आप 80 लैंग्वेजेस वो ट्रांसलेटर सपोर्ट करता है। मतलब आप वहाँ पे 80 अलग अलग भाषा से उसको यूज कर सकते हो। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। शायद आपने कभी देखा भी होगा, आपने शायद काउंट कभी नहीं किया होगा शायद, तो ये शायद आपको नहीं पता था। तो अब हम बात करते हैं अगला फैक्ट और लास्ट फैक्ट की। लास्ट जो फैक्ट है वो है कि बताया जाता है कि गूगल आपसे ज़्यादा आपको जानता है। मतलब कि अगर मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गूगल से निकाल सकता है, बताया जाता है ऐसा। मुझे नहीं पता कि क्यों बताया जाता है, पर ऐसा बताया जाता है कि गूगल आपसे ज़्यादा आपको जानता है। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस फैक्ट के रिलेटेड कुछ वीडियो आपको पसंद आया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ उसके पास जो घंटी का आइकन है वो भी जरूर दबा दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक ठोकिए, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब बटन को भी ठोक दीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।